गाइस सो हमने बाहर बाइक पार्क की है एंड अभी हम लोग आए सहेलियों की बाड़ी। सो अभी से एंट्री किया यहाँ पे और ये एक गार्डन टाइप है, अंदर फाउंटेन्स एंड ऑल सब कुछ है, तो दिखाते हैं आपको। और अभी यहाँ पे टिकट लेते हैं तो देखते हैं टिकट का प्राइस क्या है। इसका एंट्री फी है 20 रुपीज़ एंड फॉरेनर्स का 100 रुपीज़। लाइए सर, लीजिए सर, ये आपके पधारिए। ओके जी, थैंक यू। सहेलियों की बॉडी, स्प्लेंडेड गार्डन वॉज लेड आउट ऑफ बाय राणा संग्राम सिंह बिटवीन 1774 एंटरटेनमेंट ऑफ रॉयल लेडीज एंड देयर मेड्स ऑफ ऑनर। ट्रस्ट द नेम सहेलियों की बारी, इट्स अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन इन इंडिया एंड कैन गिव्स ऑफ ग्लिम्स ऑफ a gone lifestyle. There were many gardens immediately below the Fateh Sagar Lake and this were subsequently merged into Sahelio ki Baag. Okay, let's see. Chalo, chalte bro. Chaliye bro. So guys, ye rahi entry and ye humne guide kiya bhaiya Deepak Soni aur ye hame घुमाएंगे, ठीक है। तो भैया इनका नाम क्या है, क्या मतलब रीज़न क्या है सहेलियों की बाड़ी? यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपको बताते हैं। ठीक है जी। जगह जो आप लोग ये देखने के लिए आए, नाम रखा हो सहेलियों की बाड़ी। हमारे उदयपुर में 300 साल पहले एक राजा हुए थे महाराणा संग्राम सिंह, उनकी एक राजकुमारी थी शकुंतला करके, उसके घूमने के लिए जगह बनाई है 1734 के अंदर। आज से 300 साल पहले राजकुमारी जब कभी सिटी पैलेस से यहाँ घूमने में आती है ना बग्घी में बैठ के, तो अपनी कई सखी सहेलियों को लाती, नाम रखा सहेलियों की बाड़ी। उसके लिए फव्वारे जो लगाए हैं 300 साल पहले के लगे, अपने आप चलते हैं बिना बिजली पंप के। 300 साल पहले मोटर नहीं था, राजा ने ये फव्वारे किया, लेक से कनेक्ट किए। फतेह सागर लेक देखा होगा आपने जी, जरूर। वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 100 फीट हाइट पे, वहाँ से यहाँ तक जमीन के अंदर कॉपर पाइपलाइन डाला है। अच्छा। लेक ऊपर बगीचा नीचे, पानी का जो प्रेशर बनता है ना ग्रेविटी, उससे चलते हैं, मोटर पंप का जरूरत नहीं है। अच्छा। ये फव्वारा वेलकम के लिए बनाया है, वो टाइम पे रॉयल असेंबली के लोग आते हैं ना, पानी से वेलकम स्वागत होता, नाम दिया वेलकम। लेकिन अंदर बना हुआ बिन बादल बरसात। तो गाइस ये जो फाउंटेन आप देख रहे हो तो ये विदाउट मोटर के चल रहे हैं और 1 किलोमीटर दूर फतेह सागर लेक है, वहाँ से ये पानी आ रहा है। तो यही अंकल जी ने बताया, फतेह सागर के पानी है। ओके, इसमें सब पानी अपने आप इतना प्रेशर में आ रहा है, ये सब विदाउट मोटर है अंकल जी? विदाउट पंप के, अभी तो इसमें रिसाइकल दे रखा है। ओके। तो इसमें पानी स्टोर होता है ना, काम यूज में लेते हैं ये लोग। अच्छा। बाकी सेकंड जो फव्वारा है इसका नाम रखा हुआ बिन बादल बरसात। ये फाउंटेन चलता है, ऐसा लगता है बहुत तेज बारिश हो रही है। एक्चुअली राजकुमारियों को बारिश बड़ा पसंद था, 12 महीनों को बारिश किया था, पर ऐसा नहीं होता है। राजा से हट किया, राजा ने ये फाउंटेन बना के दिया। साउंड इसलिए आता है, वो मार्बल की छतरी जो बनी हुई उसके 8 पिलर है, पिलर के अंदर से पानी ऊपर जाता है और ऊपर राउंड में ये वाटरफॉल की तरह नीचे गिर रहा है ना, ऐसा लगता है बहुत तेज बारिश हो रही है। और इसके ऊपर एक बर्ड पक्षी जो बना है कबूतर, वो पानी के प्रेशर से गोल गोल घूमता है और वहाँ से जो फव्वारे चलते हैं ना उसकी बूंदे इसमें गिरती, रानियों को ऐसा लगता है जैसे आसमान से नेचुरल बारिश हो रही है। साइड पे ब्लैक मार्बल की छतरी, उनके ऊपर जो पक्षी बना रखे चिड़िया, वो भी पानी के प्रेशर से गोल गोल घूमती। अच्छा। ये अभी खराब हो गया, मेन काम वो कबूतर का था। ओके, तो यहाँ तक पानी जाता है या वहाँ से निकलता है कबूतर घूमता? 2013 में लास्ट चला था, इसके बाद में ख़राब हो गया वो। 2013 के पहले पहले राउंड में पानी के प्रेशर से चलता रहता। अच्छा। बिन बादल बरसात होती रहती। काफ़ी मस्त है यार, मतलब जैसे कि आपने सुना भी, और आगे देखते हैं, इनसे सुनते हैं अंकल जी से। ये जो राजा जी यही है क्या, वो सज्जनगढ़ वाले जी? ये अलग राजा हैं। अच्छा, ये अलग राजा है, सज्जनगढ़ वाले अलग मेंशन होंगे ना। हाँ, ये राजा जो बनाया था उदयपुर के 9 जनरेशन के राजा थे। अच्छा, सज्जनगढ़ बनाया वो तो काफी बाद में। उदयपुर जो सिटी है ना, 450 साल पुराना सिटी है। यहाँ पे 22 राजा हुए, 22 किंग।
अच्छा, फर्स्ट नंबर उदय सिंह जिन्होंने ये सिटी 1559 के अंदर फाउंडेशन किया, सेकंड राणा प्रताप थे, तीसरे अमर सिंह। ओके, उन्हीं जनरेशन के जो 9 नंबर के राजा हुए ना, उन्होंने अपनी बेटी के लिए गार्डन बनाया था महाराणा संग्राम सिंह ने। अच्छा जी, सज्जनगढ़ तो काफी बाद में बना हुआ है। ओके, ये वाला फाउंटेन एरिया नंबर 3 है। अच्छा। इस फवारे का नाम है रासलीला। वो टाइम पे रानी राजकुमारी होली के टाइम पे आते हैं ना, वो अपनी फ्रेंड को लेके रासलीला यहाँ पे खेला जाता। अच्छा। होली क्या मोस्टली गर्मी के अंदर आती है ना, तो ये फवारों का जो डायरेक्शन था 20-25 फीट पानी ऊपर जाके बाहर के साइड पे आते हैं, उनसे चलते। अच्छा। वो साइड से फवारे जो चल रहे हैं ना, उसका पानी 20 फीट ऊपर जाके सेंटर में आता, उसका 20 फीट जाके इस साइड। वो लोग यहाँ पे होली के रंग पानी का जरूरत नहीं होता, फवारे चलते रहते। अच्छा। होली के रंग खेलते हैं, एक अच्छा, तरह का रेंड थोड़ा प्रेशर कम हो गया अभी। वो तो वाल बंद कर रखे हैं, क्योंकि अभी तो वाल से ऑपरेट होते हैं। ओके, ओके। तो किसी के वाल खोल रखे हैं, किसी के कम खोल रखे हैं, राजा के नाम पे कंटिन्यू चलते हैं तो 20 फुट जाता पानी। बहुत अच्छा, यहाँ से बाहर से भी पानी, ये सबका रेन डांस है ना। पानी कितना ठंडा है यार, मस्त। पानी बहुत ठंडा है, और अपने फतेह सागर का पानी नहीं छुआ था ना, यहाँ से छू लिया। ये जो फवारा है कमल तलाई, यहाँ पे राजा की बेटी का बर्थडे होता है ना, वो टाइम पे यहाँ के फेमस डांस खेले जाते हैं। अच्छा, घूमर। ओके, घूम के खेलते हैं, राजा लोग वो सिंहासन पे बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। रानी वो झरोके में, 7 रानी राजा की वहाँ बैठती, एक राजा वो सिंहासन के अंदर पिंजरे के अंदर बंद पड़ा हुआ। ओके, तो कहाँ पे सिंहासन, कहाँ पे राजा का? पिंजरे के पीछे। हाँ, अच्छा, लोगों ने डैमेज किया। ओके, ये हाथी क्या मस्त बना थी, स्टोन में से पानी निकल रहा है। जो हाथी देखते हैं 300 साल पहले के लगे हैं, वन पीस मार्बल, एक हाथी एक पत्थर को काट के बनाया। और हाथी का स्पेशलिटी ये, हाथी के सूंड में जो फवारा चल रहा है ना, 4 शेर बने हुए उनके मुंह तक टच करता है। अरे नाइस यार। तो गाइस अगर आप ये देखोगे तो ये हाथी के सूंड से पानी आ रहा है, और अभी तो पानी का प्रेशर कम है, पर वो उधर बीच में शेर है उन तक टच होता था पानी, और ये सारा पानी विदाउट मोटर आ रहा है। तो ये एज अ ग्रेविटी बनाया है कि ये फतेह सागर से 1 किलोमीटर दूर तक पानी आ रहा है, तो काफ़ी मस्त है। और वहाँ पे राजा बैठते थे जाली के अंदर, उनका सियासत था, तो अभी वो तो तोड़ दिया लोगों ने। हाँ सर, गए थोड़ा सा रिवाइंड कर ले, जरा राजा महाराजा बन के आते हैं। सही है, 1600 में भी चल जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। राजकुमारियों के सावन के झूले पेड़ों पे लगते हैं, बाकी ये फाउंटेन चलता आवाज आता है, जंगल में जो बारिश होता है, रेन फॉरेस्ट। राइट राइट, ये साइड पे जो फवारे चल रहे हैं पानी। राइट राइट, वैसे ही लग रहा है सही में। वो टाइम देखे हैं सिटी पैलेस के अंदर रानियों को बारिश एंजॉय करने का परमिशन नहीं, वो लोग पर्दे में रहते ना। right. राजा ने इस बाउंड्री वाले पार्क में पूरा एंटरटेनमेंट बना के दिया, जो पर्दा खोल के अपनी सखी सहेलियों के साथ एंजॉय कर सके। ओके, क्या कान पे हाथ रख, एकदम हल्के से आन, ऐसी आंखें बंद कर लेगा कि बारिश हो रही है, हटा दे। बहुत ज़्यादा यार, लाइक क्या कूल है यार। आ गए गाइस बाहर, तो यही था सहेलियों की बाड़ी। आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अच्छा बताया अंकल जी ने, तो काफ़ी मज़ा आया। और अगर आप आ रहे हो तो काफ़ी अच्छी जगह है देखने लायक है ये, और ये अच्छा है। उदयपुर की खासियत ये अच्छी है कि आपको सब जगह आपके पास में ही है, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर। बस सज्जनगढ़ जो हम लोग कल गए थे वो थोड़ा बाहर था, सिटी के बाहर था, वो था मानसून पैलेस। सो जो कि राजा जी ने बनाया था बारिश के लिए। ये है यहाँ पे समर पैलेस, और यहाँ पे सब रानियाँ बस यहाँ पे गर्मी में आती थी और होली खेलने। तो अभी हम लोग जाएंगे सिटी पैलेस, जो कि काफ़ी बड़ा है। अंकल जी ने पता है कि सबसे बड़ा पैलेस है बेंगलोर के, मैसूर पैलेस के बाद सेकंड नंबर पे वही आता है सिटी पैलेस। तो अभी वहाँ पे चलेंगे और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो को इतने रखते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट जगह पर, ठीक है। बाय, चीयर्स।